वेलकम है आप सभी का। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में 100 मार्क्स का इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहां से आपको डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है या फिर जो आपसे मिस्टेक हो जाता है तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के आप याद रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश और काफी इंटरेस्टिंग के साथ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द लाइन नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। ये जो लाइन लिया गया है कौन सा पोएम से लिया गया है वो आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस लाइन का हम लोग मतलब समझते हैं। ठीक है, नोर इन द होप कहने का मतलब ये हुआ कि मैं इस उम्मीद में नहीं हूं, मैं कोई उम्मीद में नहीं हूं, मैं कोई होप नहीं करता हूं, मैं कोई आशा नहीं करता हूं। द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, ये दुनिया यानी ये वर्ल्ड, ये ब्रह्मांड, ये दुनिया हमारे लिए एक अच्छा प्यार यानी फिटर लव शो कर सकता है या फिर हमारे लिए एक अच्छा प्यार दर्शा सकता है या फिर हमको एक अच्छा प्यार दे सकता है। ठीक है, ये लाइन जो लिया गया है, ये लाइन किससे लिया गया है, फायर हैमन से या फिर टू ऑटोमैन से या फिर सनेक से या फिर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। बिल्कुल, ये लाइन जो लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, यानी जॉन डन है ना, जॉन डन इनके लेखक हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक हैं यानी राइटर हैं। तो जॉन डन अपने पत्नी से कहते हैं, एंड नोमोर से कहते हैं कि नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, इस दुनिया से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि यह दुनिया मेरे लिए एक अच्छा प्यार दिखा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया, काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता बोर्ड एग्जाम में बुक पर्सन से। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट इस फॉर्म। ठीक है, ये जो लिया गया है, ये जो लाइन लिया गया है, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यानी सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये लाइन लिया गया है सनेक से या फिर दिस सोल्जर से या फिर द सोल्जर से, फिर सॉन्ग ऑफ मायसेल्फ से या फिर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। ठीक है, बिल्कुल ये लाइन लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। यानी ये लाइन कहने का मतलब ये हुआ कि तुम मुझसे, यानी ये मतलब क्या कहता है, दैट दाउ लवेस्ट मी, तुम उतना ही मुझसे प्यार करती हो, द एज दाउ सेस्ड मी, यानी एज दाउ सेस्ड। ठीक है, यानी जितना तुम कहती हो, यानी जितना तुम मुझसे कहती हो उतना भी, उतना ही हमसे प्यार करती हो, उससे ज्यादा नहीं या फिर उससे कम नहीं, यानी ज्यादा ही प्यार करती हो। ठीक है, यानी जो पोएट है, जो जॉन डन है, वो अपने पत्नी को कहती है, मतलब उनको अपने पत्नी को रियलिटी बताती है। ठीक है, यानी उनका तारीफ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है कि जॉन डन इज गोइंग टू ब्लैंक्स लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। ठीक है, वो जो अपने वाइफ को छोड़ करके, एनमोर को छोड़ करके वो जाते हैं, कहाँ जाते हैं, यानी वो मतलब लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, अपने पत्नी को छोड़ करके जर्मनी जाते हैं या फिर फ्रांस जाते हैं या फिर इंग्लैंड या फिर इटाली। तो जहाँ जाते हैं, जर्मनी जाते हैं ना, तो जर्मनी जाते हैं क्योंकि उनको लॉन्लीनेस फील करना था, मतलब वो मतलब ये फील करना चाहते थे, ये महसूस करना चाहते थे कि अपने वाइफ के बिना, अपने एनमोर के बिना वो कैसा फील करते हैं जॉन डन। ठीक है, इसलिए वो अपना वाइफ को छोड़ करके कहाँ जाते हैं, जर्मनी जाते हैं। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, जर्मनी भरा जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ब्लैंक्स वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। ठीक है, ये जो मतलब हो जाएगा, ये कौन, यह पोएट आपको भरना है। ठीक है, टी एस एलियट, वाल्ट व्हिटमैन, जॉन डन या फिर जॉन किट्स। तो हो जाएगा जॉन डन, यानी जॉन डन वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, यानी जो जॉन डन कहते हैं कि हम मौत को पूरा संघर्ष के साथ स्वीकारना चाहते हैं, यानी मौत को, डेथ को पूरा संघर्ष के साथ हम क्या करना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सॉरी क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जॉन डन थिंक्स दैट ब्लैंक्स इज डेथ, यानी जॉन डन सोचते हैं, क्या फिक्स है, क्या है, डेथ या फिर लाइफ या फिर वर्क या फिर वर्किंग। ठीक है, तो डेथ यानी मृत्यु जो है वह क्या है, तय है। ये कौन सोचते हैं, जॉन डन सोचते हैं, वो कभी अपने मन में सोचते हैं कि मृत्यु जो है वह क्या है, तय है। यानी जॉन डन थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन, ठीक है, मृत्यु होना ही है आदमी का। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पांचवा नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर पूछा गया कि द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ब्लैंक्स फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, ये आपका भरा जाएगा, यहाँ का क्राइज भरा जाएगा, सिंग्स भरा जाएगा, लाफ्स भरा जाएगा, फिर शॉर्ट्स भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भरा जाएगा सिंग्स, यानी द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, यानी जो पोएट है, यानी जो कवि है, वो अपने लिए खुद गाते हैं, सिंग्स फॉर हिमसेल्फ,
गाने अपने लिए खुद के लिए वो गाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सिक्स नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन पूछा गया कि द ब्लैंक्स ऑफ डेथ आर द विस्पायरिंग नेवर, क्या हो जाएंगे विस्पायरिंग नेवर, ठीक है, मैसेंजर्स या फिर फ्रेंड्स या फिर इनिमीज या फिर गॉड। तो ये हो जाएंगे मैसेंजर्स, यहाँ क्या भरा जाएगा मैसेंजर्स भरा जाएगा। कहने का मतलब ये कि मौत के जो दूत होते हैं ना, जो मैसेंजर होते हैं, वो क्या होते हैं फुसफुसाते हुए पड़ोसी होते हैं, यानी विस्पायरिंग नाइटबोर होते हैं, विस्पायरिंग नेवर होते हैं, यानी फुसफुसाते हुए पड़ोसी क्या होते हैं मौत के दूत होते हैं, यानी मैसेंजर होते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एट, काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ इज रिटन बाय, यानी सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ इज रिटन बाय ब्लैंक्स, किसके, ये जो सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ है इनके लेखक कौन है, वाल्टर विटमैन, वाल्टर डेलामेर या फिर रूपर्ट ब्रूक या फिर जॉन रूल। तो इनके जो लेखक है वो कौन है, वाल्टर विटमैन है ना, वाल्टर विटमैन इनके लेखक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा एट नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन, वाल्टर विटमैन इज ब्लैंक्स वेयर ओल्ड, ठीक है। वाल्टर विटमैन का आपको एज पूछा जा रहा, यानी वो कितने साल के थे, 35 साल के, 36 साल के, 37 साल के, 38 साल के। तो वो 37 साल के थे, कितने साल के, 37 साल के। सारा चीज आपको पढ़ाया गया है, सारा चीज आपको थ्योरी में पढ़ाया गया है जब हम एक्सप्लेनेशन कर रहे थे पोएम का, ठीक है। तो नाइन्थ का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए टेंथ में पूछा है कि हु इज नॉन एज द पोएट्स ऑफ पीपल्स पोएट, वे इज नॉन एज द पीपल्स पोएट, यानी लोगों के कवि के रूप में किसको जाने जाते हैं, वाल्टर विटमैन को, डी एच लॉरेंस को या फिर टी एस एलियट को या फिर नन ऑफ दिस। तो लोगों के कवि के रूप में जो जाने जाते हैं वो वाल्टर विटमैन को, किसको, वाल्टर विटमैन को पीपल्स पोएट कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, पीपल्स पोएट, यानी लोगों के कवि कहे जाते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवंथ, क्वेश्चन पूछा गया कि द लाइन एंड द पाम्स टू एंड द प्रॉम्स गो रोलिंग ऑन, गो रोलिंग ऑन, ठीक है। ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, कौन सा पोएम से लिया गया है, वो आपको करना है, वो आपको चूज करना है। करेक्ट द ऑप्शन, यानी करेक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 2019 का पूछा गया है एनुअल एग्जाम में, सनेक या फिर टू ऑटोमन या फिर नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट या फिर फायर हैमेन। तो यहाँ जो भरा जाएगा वो जाएगा आपका नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ये जो लाइन है ना, एंड द प्रॉम्स गो टू गो रोलिंग ऑन, यानी जो प्रॉम्स होते हैं वो लुढ़कते चले जाते हैं। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है, ये पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। तो यहाँ नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट आपको फिल करना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इलेवंथ नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ, क्वेश्चन पूछा गया कि नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन, ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया, ये लाइन कहाँ, कौन सा पोएम से लिया गया है, एन एपिटाफ से या फिर फायर हैमन से या फिर नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से या फिर द सोल्जर से, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, ये लिया गया है एन एपिटाफ से, कहाँ से, एन एपिटाफ से, सॉरी ये लिया गया है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से, किससे, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से ये लाइन लिया गया है। नर्सेज टू द ग्रेव आर गॉन, यानी जो नर्से हैं वो क्या, कहाँ चले गए, मतलब ग्रेव में चले गए, यानी कब्र में समाधि में वो चली गई, मतलब समा गए, ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एंड द नाइटिंगेल इज डंब एंड द ब्लैंक्स विल नॉट ऑम, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ट्रॉल्स, पम्प्स या फिर एंगल या फिर डिस्ट्रेस। तो यहाँ भरा जाएगा एंगल भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, एंगल भरा जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन पूछा गया कि डब्ल्यू एच ऑर्डन वन द ब्लैंक्स प्राइज इन 1948, ठीक है, कब, कौन सा प्राइज, यानी 1948 में डब्ल्यू एच ऑर्डन ने कौन सा प्राइज, मतलब कौन सा उनको पुरस्कार दिया गया था, वो आपको बताना है, पुलित्जर या फिर मैन बुकर या फिर नोबेल या फिर साहित्य अकादमी। तो पुलित्जर प्राइज, यानी डब्ल्यू एच ऑर्डन वॉन द पुलित्जर प्राइज इन 1948, यानी 1948 में उन्होंने पुलित्जर प्राइज जीते थे, ठीक है, उनको पुलित्जर जो पुरस्कार है उनको दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि द ब्लैंक्स हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री, ये जो लीफलेस ट्री का मतलब ये हुआ कि जिसमें पत्ते नहीं रहते, ठीक है, यानी वैसा ट्री जिसमें पत्ता नहीं रहता उसको क्या कहते हैं, लीफलेस ट्री, ठीक है। तो जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, पीकॉक या फिर हैन या फिर स्पैरो या फिर नाइटिंगेल। तो यहाँ जो भरा जाएगा नाइटिंगेल भरा जाएगा, क्या बनेगा, नाइटिंगेल यानी बुलबुल, यानी बुलबुल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बिकम हो जाते, नहीं हो जाते, क्या हो जाते हैं, डम्ब हो जाते हैं, यानी गूंगा हो जाते हैं। किस मंथ में, कौन सा सीजन में, लीफलेस ट्री वाला सीजन में, जब पेड़ में पत्ते नहीं देखते हैं तो नाइटिंगेल मतलब गाना बंद कर देते हैं, मतलब वो नहीं गाते हैं, तो एक तरह से वो गूंगे हो जाते हैं। गूंगे का कहने का सेंस यहाँ ये होगा कि नाइटिंगेल जो है वो लीफलेस ट्री को देख करके गाना बंद कर देते हैं, वो नहीं गुनगुनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि ओड टू ब्लैंक्स इज एन ओड,
ठीक है, सीजन या फिर विंटर या फिर रेन या फिर ऑटमन। देखिए आपको डायरेक्टली आपको पोएम ही टुकड़ा करके आप पूछ दिया गया, पोएम का ही खंड करके आपको ऑप्शन में दे दिया, तो हम लोग पढ़े हैं ना ओ टू ऑटम, तो यहाँ क्या भरा जाएगा ओ टू ऑटम, तो ऑटम भरा जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लैंक्स वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी ब्लैंक्स वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर कौन, जॉन किट्स, डब्ल्यू एच एडन या फिर रूपर्ट ब्रूक या फिर जॉन डोन, ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ब्लैंक्स वॉज अ यानी कौन, ग्रेट मतलब क्या थे, लवर थे, मतलब प्रकृति को अच्छा तरह से चाहते थे, वो आपको बताना है। क्या हो जाएगा, जॉन किट्स से हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा जॉन किट्स से, जो क्या है ग्रेट लवर है नेचर के, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, किट्स इज अ जॉन किट्स ने, मतलब किट्स का, जॉन किट्स का टाइटल यूज किया गया, जॉन किट्स इज अ ब्लैंक्स पोएट, ठीक है, रोमांटिक या फिर वार या फिर मेटाफिजिकल या फिर मेलाकोनिक, ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रोमांटिक, यानी जो जॉन किट्स है वो किस प्रकार के कवि हैं, इस प्रकार के पोएट हैं, रोमांटिक पोएट हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, टू ऑटोमन इज रिटन बाय ब्लैंक्स, इन टू ऑटोमन इज रिटन बाय ब्लैंक्स, किनके द्वारा ये ऑटोमन लिखा गया, जॉन किट्स या फिर वाल्टर डेलामेर, जॉन डोन या फिर केकी अंदारो वाला, ठीक है, तो जॉन किट्स के द्वारा, टू ऑटोमन किसके द्वारा, जॉन किट्स के द्वारा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जॉन किट्स बिलोंग्स टू, यानी सॉरी बिलोंगिंग टू ब्लैंक्स, ठीक है, ये कहां रहते थे, कहां से निवास करते थे, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, फिर आइसलैंड से, फिर जर्मनी से, तो जॉन किट्स जो रहते थे वो ब्रिटेन में रहते थे, यानी ब्रिटेन के निवासी थे वो, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द लाइन आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी, ये जो है ये लाइन कहां से लिया गया है, इज फ्रॉम टेकेट या फिर चूज द करेक्ट आंसर, सनेक से, फायर हैमन से, टू ऑटोमन से या फिर एन एपिटाफ से, ठीक है, तो मैंने आप लोग को बताया था कि इन एपिटाफ में, यानी वाल्टर डेलामेर जो है वो एक लेडी के बारे में, खूबसूरत लेडी यानी ब्यूटीफुल लेडी के बारे में डिस्कस करते थे, ठीक है, वो सोचते थे कि जो वो लेडी थी वो पश्चिमी कंट्री नहीं वेस्टर्न कंट्री में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी थी, ठीक है, वो उनको चाहते थे, ठीक है, कौन, वाल्टर डेलामेर, यानी जो कवि है, पोएट है, ठीक है, तो आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये लाइन जो लिया गया है एन एपिटाफ से लिया गया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पूरा आपको समरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, नहीं देखे हैं तो आप चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए 22 पूछ रहा क्वेश्चन, हु हैज रिटन अ नंबर ऑफ पोएम्स फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए किसने कविताएं लिखी है, बच्चों के लिए किसने कविताएं लिखी है, वाल्टर डेलामेर या फिर टी एस एलियट या फिर डी एच लॉरेंस या फिर नन ऑफ दिस, तो ये जो है वाल्टर डेलामेर साहब, कौन, वाल्टर डेलामेर साहब जो है वो बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, एन एपिटाफ इज रिटन बाय ब्लैंक्स, यानी एन एपिटाफ के लेखक कौन है, ठीक है, तो वाल्टर डेलामेर कौन, वाल्टर डेलामेर एन एपिटाफ के लेखक है, इन्हीं के द्वारा एन एपिटाफ लिखा गया, एन एपिटाफ में उन्होंने, वाल्टर डेलामेर ने, पोएट ने एक लेडी के बारे में जिक्र किया है, यानी एक ब्यूटीफुल लेडी यानी खूबसूरत औरत के बारे में बयां किया है, उनके बारे में बहुत सारी बातें कही है, ठीक है, उनको चाहते थे, वो जब डेट कर गए थे तो उनके कब्र में जाकर के, समाधि के पास जाकर के वो रोते थे, ठीक है, वो याद करते थे उनको कि इनको अब दुनिया वाला याद नहीं करेगा, कौन इनको याद करेगा, तो यही सब चीज़ है इसमें बयां किया गया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया कि वाल्टर डेलामेर न्यू अ ब्लैंक्स हु इज नाउ डेड, यानी वाल्टर डेलामेर किसको जानते थे, वो अब जो अब डेट कर गए हैं, ठीक है, लेडी को, गर्ल को या फिर बॉय को या फिर लॉर्ड को, क्या हो जाएगा, लेडी को, यानी वाल्टर डेलामेर किसको जानते थे, एक लेडीज को जानते थे, एक लेडी को जानते थे, यानी एक औरत को जानते थे जो क्या कर गए थे, डेट कर गए थे, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, ब्लैंक्स इज अ ह्यूमरस एंड आयरोनिकल पोएम, ठीक है, ब्लैंक्स इज अ ह्यूमरस एंड आयरोनिकल पोएम, यानी व्यंग्यात्मक कविता कौन हो जाएंगे, व्यंग्यात्मक कविता, तो ये है एन एपिटाफ, कौन हो जाएंगे, एन एपिटाफ, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द इमेज एंड द प्रेजेस ऑफ ब्लैंक्स रन थ्रू बोथ द इंस्टेंट जार्स, ठीक है, दी यूएसए या फिर इंग्लैंड या फिर जर्मनी या फिर फ्रांस, यहाँ तो ब्लैंक्स में जो भरा जाएगा, जो खाली जगह में भरा जाएगा वो भरा जाएगा इंग्लैंड, क्या भरा जाएगा, इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के चित्र और सतुति जो है वो दोनों सरोलोगों के माध्यम से चलते थे, किसके माध्यम से, सरोलोग के माध्यम से, नहीं स्टेंट जार्ज के थ्रू से चलते थे, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि द डस्ट
स्टैंड्स फॉर ब्लैंक्स, ठीक है, फॉर्मर या फिर टीचर या फिर लीडर या फिर सोल्जियर, तो ये हो जाएंगे सोल्जियर, क्या हो जाएंगे सोल्जियर, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि द सोल्जियर इज रिटन बाय ब्लैंक्स, यानी द सोल्जियर जो है यानी जो सैनिक के बारे में लिखा गया या कविता द सोल्जियर, ये किनके द्वारा लिखे गए हैं, रूपर्ट ब्रूक या फिर कमला दास या फिर डब्ल्यू एच ओडेन या फिर जॉन डोन, तो ये जो लिखे गए हैं रूपर्ट ब्रूक के द्वारा, किसके द्वारा, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा, तो ब्लैंक्स में आप क्या बढ़ेंगे रूपर्ट ब्रूक बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे रूपर्ट ब्रूक, ठीक है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन कह रहा है कि द सोल्जियर इज अ ब्लैंक्स पोएम, ठीक है, हैप्पी या फिर लव या फिर नेचर या फिर वॉर, तो ये जो है द सोल्जियर एक सैनिक के बारे में इसमें क्या किया जाता है, जिक्र किया जाता है, यानी सैनिक के बारे में वो बोलते हैं द सोल्जियर में, रूपर्ट ब्रूक अपने देश के बारे में इच्छा करते हैं, वो इच्छा करते हैं अपने इनिमीज यानी जो देश के उनके दुश्मन हैं उनके दुश्मन के बारे में बोलते हैं कि उनके दुश्मनों उनके जो दुश्मन हैं उसके सभी पलानों पर क्या हो जाए, पानी फिर जाए, ठीक है, अपने देश के बारे में अपनी तारीफ करते हैं, ठीक है, तो ये जो है एक प्रकार का वार पोएट है, किस प्रकार का वार पर, यानी द सोल्जियर जो है द सोल्जियर इस पर क्या है एक प्रकार का वार पोएम है, यानी क्या हो जाएगा, यह वार भरा जाएगा, द सोल्जियर इज अ वार पोएम, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, युद्ध कविता, ठीक है। अब देखिए 30 क्वेश्चन करा कि अ पोएम कंसिस्टिंग, क्या करा है, अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ ब्लैंक्स लाइंस इज अ सोनेट्स, यानी सोनेट्स जो होते हैं वो कितने लाइन के होते हैं, सोनेट्स कितने लाइन के, 14 लाइन के होते हैं ना, कितने लाइन के, 14 लाइन के, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैकेविटी इज कॉल्ड ब्लैंक्स, यानी मैकेविटी जो है उनको क्या कहा जाता था, द हिडन पाव या फिर द एक्सपोज्ड पाव या फिर द नॉटी पाव या फिर द मिस्टीरियस पाव, ठीक है, तो इनको जो कहा जाता था हिडन पाव, यानी मैकेविटी को क्या कहा जाता था, हिडन पाव, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी छिपा हुआ पंजा के रूप में उनको जाना जाता था मैकेविटी को, ठीक है। मैकेविटी द मास्टरकट इज रिटन बाय ब्लैंक्स, ये मैकेविटी द मास्टरकट के लेखक कौन है, कौन नरेटर है, राइटर है या फिर कंपोजर है, वो कौन है, रूपर्ट ब्रूक या फिर टीएस एलियट या फिर कमला दास या फिर जॉन डोन, तो ये हो जाएंगे टीएस एलियट, यानी टीएस एलियट साहब के द्वारा ये लिखे गए हैं, मैकेविटी द मास्टरकट इज रिटन बाय टीएस एलियट, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 33, मैकेविटी इज अ ब्लैंक्स, ये जो मैकेविटी है, मैकेविटी क्या है, डॉग है, लायन है या फिर कैट है या फिर रैट है, ठीक है, तो ये कैट है ना, ये बिल्ली का नाम है मैकेविटी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू ब्लैंक्स, जो पोएट है, जो कवि है, वो कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं मैकेविटी का बिल्ली का किसके साथ, समुद्रगुप्त के साथ, बिस्मार्क के साथ या फिर नेपोलियन के साथ या फिर चार्ल्स के साथ, तो ये करते हैं नेपोलियन के साथ, किसके साथ, नेपोलियन के साथ, यानी जो पोएट हैं टीएस एलियट साहब, उनके द्वारा एक बिल्ली है उनके घर, उसके पास एक बिल्ली है मैकेविटी, जो पालतू बिल्ली है, ठीक है, वो कहाँ से लाए थे, वो यानी इंग्लैंड के यॉर्क से लाए थे, ठीक है, तो वो बिल्ली का कंपेरिजन किनके साथ करते हैं, वो नेपोलियन के साथ करते हैं, ठीक है, तो ये नेपोलियन भरा जाएगा, ऑप्शन सी आपको फिल कर देना है 34 में, ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में 35 में पूछा गया कि ब्लैंक्स इज फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, ठीक है, यानी जो क्या लिया गया है, ये मतलब ये कलेक्शन किसका कलेक्शन है, ऑल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, ये कलेक्शन है, ठीक है, ये कलेक्शन से कौन सा पोएम को लिया गया है, द मास्टरी कैट को या फिर सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ को, द सोल्जर को या फिर नन ऑफ दिस, तो बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, द मास्टरी कैट इज फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ऑल द पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, ठीक है, यानी कैट्स, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 36 काफी सिंपल क्वेश्चन है, केकी एंड दारूवाला, एन से हो जाएगा नासिर वांझी, यानी केकी एंड दारूवाला का पूरा नाम क्या हो गया, केकी नासिर वांझी दारूवाला इज अ रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड इन ब्लैंक्स, ठीक है, यानी साहित्य अकेडमी अवार्ड जो उनके प्राप्तकर्ता थे वो मतलब उनको कब साहित्य अकेडमी अवार्ड उनको दिया गया था, कब दिया गया था, 1982 को, 83 को या फिर 84 को या फिर 85 को, तो 1984 को दिया गया था, कब किया गया, 1984 में, ठीक है, 1984 में, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में 37 पूछ रहा है कि केकी अनंत दारूवाला वाज अ ब्लैंक्स बाय रिलीजन, यानी जो उनके रिलीजन थे, यानी उनके जो धर्म थे, यानी रिलीजन की दृष्टि से जो केकी अनंत दारूवाला है, केकी नासिर वांझी दारूवाला, ये क्या थे, पारसी थे, हिंदू थे, फिर क्रिश्चियन थे, फिर मुस्लिम थे, तो क्या थे, पारसी थे, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 38 आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या पूछ रहे कि कंसाइनिंग हिज न्यू बॉर्न सन
टू फ्लैम्स टू प्लेस ब्लैंक्स ईयर, ठीक है, ब्लैंक्स ईयर अगो, यानी अपने मतलब कंसाइनी न्यू बॉर्न बेबी जो है, न्यू बॉर्न सन यानी नवजात बेटे को आग के हवाले कर दिए थे, आग के लपेटों में डालने का जो काम हुआ था कितने साल पहले हुआ था, ठीक है, 15, 16, 20 या फिर 18, तो ये जो हो जाएगी 20 साल पहले, कितने साल पहले, 20 साल पहले, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन पूछा गया कि द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फरस इज टेकन फ्रॉम, बर्निंग घाट यानी जो घाट जलता हुआ घाट शमशान घाट के बारे में किसमें जिक्र किया गया है, फायर हेमेन में या फिर सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ में या फिर मैकेविटी में या फिर नन ऑफ दिस में, फायर हेमेन, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, फायर हेमेन के लेखक कौन है, केके अंदारोवाला, ठीक है, तो ये केके अंदारोवाला जो है अपने फादर के साथ अपने घाट में घूमने जाते हैं तो घाट उनको जलता हुआ मिलता है, ठीक है, यानी घाट में सब जलते हैं, ठीक है, उनको तल जली हुई उंगली के बारे में उनको बताया जाता है, उनके पिताजी उनको बताते हैं, तो ये जो लाइन लिया गया है ये कहां से लिया गया, फायर हेमेन से, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी जलता हुआ घाट इरप्टेड फॉस्फोरस, ठीक, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, फायर हेमेन इज रिटन बाय ब्लैंक्स, ये जो फायर हेमेन है किसके द्वारा लिखे गए हैं, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा, टीएस एलियट के द्वारा या फिर कमला दास के द्वारा या फिर केके अंदारोवाला, तो क्या हो जाएगा, केके अंदारोवाला के द्वारा ये लिखे गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41, वाज इट कोवर्डाइज, वॉज इट कोवर्डाइज, ये क्या कायरता थी, ये क्या मतलब डरने वाला गुण था, ये क्या कायरता थी, दैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम, मतलब मुझे मैं उनको मारने की हिम्मत नहीं कर सका, मैं उनको मारने की हिम्मत नहीं की, ठीक है, ये क्या कायरता थी कि मैं उनको मारने की हिम्मत नहीं की, ये डेयर का मतलब क्या होता है, हाउ डेयर यू, हम लोग बोलते हैं ना कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, डेयर का मतलब क्या होता है, हिम्मत करना, ठीक है, यानी हिम्मत, ठीक है, तो ये मतलब कौन कहते हैं, पोएट कहते हैं, या फिर ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ से, द सोल्जर से, फिर स्नेक से, फिर ये हो जाएंगे फायर हेमेन से, तो ये हो जाएंगे सनेक से, यानी ये जो सनेक है ये सनेक से, सनेक में क्या बोलते हैं, सनेक जो पोएम है उसमें जो कवि होते हैं, पोएट होते हैं, तो वो खुद बोलते हैं उनके पास वाटर टर्फ के पास एक सांप आता है, ठीक है, सांप आता है पानी पीने के लिए, तो वो सांप को मारने का हिम्मत नहीं करता, मारने के लिए स्टिक उठाता है, फिर वो सोचता है कि हमारी एजुकेशन हमको सलाह देती है, क्या हमारी एजुकेशन, हमारी शिक्षा हमको अनुमति देती है इसको मारने के लिए, अगर कोई मेहमान बन के मेरे वाटर टर्फ के पास पानी पीने आए तो क्या उनको मारना चाहिए, फिर वो स्टिक फेंक देते हैं, जब वहाँ सांप चले जाते हैं वहाँ से वाटर ट्रफ के पास से, फिर वो पछताने लगते हैं कि हाय ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरी क्या कायरता थी कि मैंने सांप को मारने की भी हिम्मत नहीं की, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि अ स्नेक अपीयर्स ऑन अ ट्रफ वाटर ऑफ ट्रफ ऑफ द ब्लैंक्स टू सिप वाटर, ठीक है, तो किसके, पोएट के पास, यानी पोएट के जो कवि है जो वाटर ट्रफ थे उन्हीं के पास, मतलब सिप वाटर यानी पानी पीने के लिए गए थे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, स्नेक इज रिटन बाय, यानी स्नेक के बारे में ये जो कवि है, ये जो पोएम है, ये किसके द्वारा लिख लिए गए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किसके द्वारा, जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जॉन डोन, कमला दास, डीएच लॉरेंस या फिर वाल्टर व्हिटमैन, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, डीएच लॉरेंस ना, तो स्नेक इज रिटन बाय डीएच लॉरेंस, स्नेक के लेखक कौन है, राइटर कौन है, डीएच लॉरेंस, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, इटना इज क्या, यानी इटना इज इन ब्लैंक्स, ठीक है, सिसली, रोम या फिर एथेंस है फिर पेरिस, तो ये जो है सिसली में, कहाँ है, सिसली में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 45, क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ ब्लैंक्स इज मेंशनड इन द पोएम स्नेक, ठीक है, क्या मेंशन किया गया है, किसके बारे में जिक्र किया गया है, स्नेक वाला पोएम, मैनी पोएम स्नेक में, ठीक है, पीपल ट्री का या फिर कार्बो ट्री का या फिर बनियान का या फिर क्या हो जाएगा, मैंगो का, ठीक है, तो कार्बो ट्री का उल्लेख किया गया, किसमें, स्नेक पोएम में जो है किसका, कार्बो ट्री का उल्लेख किया गया, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्नेक्स वर सीन अमंग ब्लैंक्स इन माई ग्रैंड मदर साहस, यानी माई ग्रैंड मदर साहस में जो पोएम है, ये जो स्नेक है, जो सांप है, किसके बीच देखा गया, 2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है, बेड्स, बुक्स, चेयर्स या फिर टेबल्स, तो बुक के अंदर, किताबों के अंदर सांप को देखा गया था, ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47, माई ग्रैंड मदर साहस इज रिटन बाय ब्लैंक्स, तो कमला दास के द्वारा, किसके द्वारा, कमला दास के द्वारा ये लिखे गए हैं, माई ग्रैंड मदर साहस, उन्होंने माई ग्रैंड मदर साहस में अपने ग्रैंड मदर यानी दादी माँ के यहाँ जो रहती थी उनके बारे में वो जिक्र किया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द
स्वीट कंपनी ऑफ हर ब्लैंक्स, ठीक है, मदर फादर ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड फादर, तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर यानी अपने दादी माँ के वहाँ जो दिन मतलब अच्छे अच्छे दिन गुजारे थे, यानी हैप्पी डेज गुजारे थे, खुशी के दिन गुजारे थे, उन्हीं को वो क्या करते हैं, याद करते हैं, यानी स्वीट्स कंपनी ऑफ हर, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कमला दास इज एन ब्लैंक्स पोइटिस, कहाँ के पोइटिस थे, अमेरिकन, अफ्रीकन या फिर इंडियन या फिर नाइजीरियन, तो ये हो जाएंगे इंडियन, कमला दास जो है वो कहाँ के थी, इंडिया के थी, तो इंडियन पोइटिस हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, यस अल्लाह किनका है, यस अल्लाह जो पोएम है ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, कमला दास के द्वारा, याद रखना ये भी पूछे जाएंगे आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, पूछे जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन कह रहा है कि द पोएटिस इन द ग्रैंड मदरस हाउस बेग्स एट ब्लैंक स्टोर, यानी जो पोएटिस हैं, जो मतलब पोएटिस हैं ग्रैंड मदरस हाउस में, तो जो कवि हैं, कवियत्री हैं, जो पोएटिस हैं वो भीख मांगते हैं, क्या करते हैं, भीख मांगते हैं, बेग्स करते हैं, किनके दरवाजे में, फ्रेंड्स फैमिलीज स्ट्रेंजर्स या फिर इनिमीज, तो स्ट्रेंजर्स के दरवाजे में, अजनबी के दरवाजे में जाकर के, डोर में जाकर के वो क्या करते हैं, भीख मांगते, किस चीज़ का भीख मांगते, लव का भीख मांगते, ठीक है, यानी जो मेरी दादी में के हाँ, यानी करंट मदर जो है उनके यहाँ हमको जो प्यार मिलता था वो प्यार हमको भी चाहिए, ठीक है, यानी अपने दादी माँ के यहाँ जो दिन गुजारी है उनको यह वो याद करते थे, ठीक है। तो फाइनली आपका क्या हो गया, टोटल 50 क्वेश्चन कवर किए, ये सभी क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन कवर किए सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, यहाँ से आपका डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इतना यकीन करना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं इससे, ठीक है, यानी हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये रिकॉर्ड रहा है, ये सभी क्वेश्चंस को याद रखेंगे, कौन सा क्वेश्चन आपको पूछ दे कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो आपसे लास्ट में विनती की जाती है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जमकर के शेयर कर दीजिए, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि चैनल पर आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।